सत श्री अकाल दोस्तों, फ्रंट लाइन पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री वालों मोबाइल टावरों नुकसान पहुँचाने वालों सख्त चेतावनी, किसी भी जायदाद का नुकसान सहन नहीं किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को सूबे में मोबाइल टावर की भन्न तोड़ और दूर संचार सेवाओं में विघन पाने वालों सख्त चेतावनी जारी करदिया पुलिस को अजिहियां गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले खिलाफ़ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट करदिया कहा कि वह पंजाब में किसी भी निजी या सरकारी जायदाद का नुकसान सहन नहीं करनगे। कैप्टन ने कहा कि उन्हां वल्लों अजिहियां कार्रवाइयां ना करन दीआं बार बार अपीलां करन तों बाद भी इस नूं अणगौलियां करन कारण उन्हां नूं सख्त रुख अख्तियार करन लई मजबूर होना पिया। मुख्यमंत्री ने यह गल जोर दे के आखी कि वह किसी भी कीमत पर पंजाब में अजारकता फैलाउणा ते किसी नूं भी कानून अपने हत्थां विच लैण दी आग्या नहीं देणगे। उन्होंने आख्या कि सूबा सरकार नूं पिछले कई महीनों तो केंद्र के काले खेती कानूनों खिलाफ़ सूबे में चल रहे शांतमई प्रदर्शनों से कोई इतराज़ नहीं, ना ही उन्होंने सरकार ने अजिहे किसी प्रदर्शन को रोकया। उन्होंने कहा कि जायदाद का नुकसान और नागरिकों को असुविधा सहन नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री की यह चेतावनी उस वेले आई जो सूबे में कुल 1561 मोबाइल टावर प्रभावित हुए हैं, जिन्हों में 25 टावर की भन्न तोड़ की हुई। यह नुकसान केंद्र के काले खेती कानूनों खिलाफ़ शांतमई प्रदर्शन कर रही किसान यूनियन के निर्देशों से कुछ किसानों उन्होंने समर्थकों वालों की कथित हिंसा दौरान होया। किसान उन्होंने समर्थकों अजिंह नुकसानदेह गतिविधियां जिन्होंने किसान आगुओं वालों नामंजूर कर दिता है तुरंत बंद कर सद्दा दिंदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि दूर संचार सेवाओं में बिगड़न नाल सूबे में संचार ब्लैकआउट हो सकता है और इस नाल खास करके विद्यार्थी काम करते पेशेवर व्यक्तियों को गंभीर नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रीख्यावां खास करके बोर्ड के इम्तिहान नेड़े होने कोविड महामारी के मुद्दे नज़र विद्यार्थी ऑनलाइन सिक्ख्या से निर्भर हैं, जिस कारण दूर संचार सेवाओं में बिघन पाने अजिहियां कार्रवाइयों बच्चों के भविख से गंभीर असर पै सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार ने 12वीं जमात के विद्यार्थियों को 175,000 स्मार्टफोन वंडे ताकि वह बोर्ड के इम्तिहान देने लई पुख्ता ढंग नाल तैयारियां कर सकन, पर मोबाइल टावरों की भन्न तोड़ कारण बच्चों की पढ़ाई में बिघन पै रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेशेवर लोग भी घर तो बाहर काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुते महामारी दौरान पंजाब आ गए सन, जिस करके हिंसा ते जायदाद नूं नुकसान पहुँचाउण दीआं अजिहियां कार्रवाइयां नाल इन्हां लोगों का रुजगार तक खुल सकता है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवावां जो कोविड के संकट दौरान वड्डी पद्धर ते ऑनलाइन लैण देण ते निर्भर हन नूं अजिहियां गैर कानूनी गतिविधियां नाल सट वज रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुण तक किसान संघर्ष कामयाब रहा अते इसनूं समाज के सारे तबकों के लोगों पासों हमायत मिली, इत्थों तक कि संघर्ष के शांतिपूर्व होण करके देश भर के लोगों ने भी समर्थन दिता। उन्होंने सावधान करदिआं कहा कि हिंसा की वरतों प्रदर्शनकारियों आम लोगों तो अलहदा कर सकती है, जो किसान भाईचारे के हितों लिए मारू साबित होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि भावें उन्होंने सरकार की संघर्षशील किसानों पूरी हमदर्दी है अते इस करके ही सूबे की विधानसभा ते केंद्र दे कानूनों नूं बेअसर करन लई सूबाई सोध बिल लिआंदे गए, पर किसी नूं भी कानून अपने हाथ च लैण दी इजाजत नहीं दित्ती जाएगी। दोस्तों जल्दी मिलदे आं इक नवीं खबर दे नाल, तद तक लई